एमकेएन ट्यूबर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक डेमो देखेंगे कि पीएनबी वन ऐप से कैसे आप लोन ले सकते हैं। आप घर बैठे लोन ले सकते हैं और लोन अमाउंट सीधे आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये लोन का मामला है तो पहले कुछ ज़रूरी पॉइंट्स को हम समझ लेते हैं। वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए और पूरा एंड तक ज़रूर देखें। आप भले इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, शेयर करें या ना करें, लेकिन पूरा एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि देखिए लोन का मामला है, एक छोटी सी लापरवाही की वजह से भी आपको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो कुछ ज़रूरी पॉइंट्स को हम पहले समझ लेते हैं। सबसे पहली बात तो है कि ये कम्प्लीटली ऑनलाइन प्रोसेस है। यहाँ पर आपको ब्रांच में जाकर किसी से बात करना नहीं पड़ेगा, कम्प्लीटली ऑनलाइन हो जाएगा। आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और लोन मिल जाएगा। 24/7 फैसिलिटी है, बैंक भले ही खुला हो, बंद हो, छुट्टी हो, जो भी हो, कभी भी आप इस फैसिलिटी का लाभ उठा सकते हैं। और इसमें इंस्टेंटली डिसबर्समेंट हो जाता है, यानी कि आपके अकाउंट में पैसा तुरंत ही आ जाएगा, कोई डिले नहीं है। और ई सैंक्शन लेटर आपको लोन का मिलेगा, जिसमें कि सभी डिटेल आपको दिए होंगे, जैसे कि लोन का अमाउंट कितना है, सर्विस चार्ज कितना कट रहा है। इसमें 0.5% का आपका प्रोसेसिंग फ़ी लगता है, जितना अमाउंट का आप लोन लेंगे उसका 0.5% का प्रोसेसिंग फ़ी आपको लगता है, और टोटल इंटरेस्ट कितना है, ये सारे डिटेल्स आपको ई सैंक्शन लेटर में शो हो जाएंगे। तो इनको आप एक बार प्रॉपरली चेक करें, उसके बाद ही आप लोन को कन्फर्म करें, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी अगर लापरवाही हो जाएगी तो आपका नुकसान हो जाएगा। सभी डिटेल को आप प्रॉपरली चेक कर लीजिए कि ठीक है या नहीं, या फिर सर्विस चार्ज ज़्यादा बता रहा है, या फिर टोटल इंटरेस्ट आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है। आप इसको एक बार ज़रूर चेक करें, उसके बाद ही आगे प्रोसीड करें। ये कहाँ पर शो होगा ये हम आगे वीडियो में देखेंगे। आप अपना ईएमआई अपने हिसाब से, सुविधा के हिसाब से खुद सेट कर सकते हैं। और अगर आपने कुछ यहाँ पर गलत ईएमआई सेट कर लिया, या फिर आप अपने ईएमआई को बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं, तो वो भी आप बाद में बैंक ब्रांच में जाकर वहाँ से उसको चेंज करा सकते हैं। कोई यहाँ पर टेंशन वाली बात नहीं है। इस लोन के टॉपिक पर पहले भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, और उसमें एक सवाल बहुत सारे व्यूअर्स ने पूछा है कि क्या ये लोन सिर्फ सैलरीड पर्सन के लिए है। तो इसका जवाब है नहीं, ये लोन सिर्फ सैलरीड पर्सन के लिए नहीं है। तो सारे पॉइंट्स आप यहाँ पर क्लियरली समझ गए हैं, तो चलिए सीधे मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं और इसका एक लाइव डेमो देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले तो पीएनबी वन ऐप में लॉगिन कर लेते हैं। ये कुछ यहाँ पर नोटिफिकेशन आ रहा है, इसको मैं ओके कर लेता हूँ। तो देखिए सबसे पहले ही यहाँ पर प्री अप्रूव पर्सनल लोन दिखा रहा है, लेकिन शायद आपको ये यहाँ पर शो नहीं होगा। तो कहाँ पर ये रहता है इसका पूरा प्रोसेस हम देखेंगे। थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं और व्यू ऑल कर लेते हैं इसको। तो इन्वेस्ट और अप्लाई में यहाँ पर ये ऑप्शन है कि प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन, आपको ये ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कन्फर्म योर पर्सनल डिटेल्स, नाम दिखा रहा है, पैन कार्ड नंबर और अकाउंट नंबर यहाँ पर शो हो रहा है। तो इसको मैं यहाँ पर टिक भी लगा है, अगर टिक नहीं लगा होगा तो आपको यहाँ पर टिक लगा देना है, और इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं, चार स्टेप्स में आपको ये लोन मिल जाएगा। अभी हम स्टेप नंबर 2 में हैं। तो दिखा रहा है यू आर एलिजिबल फॉर प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन ऑफ 5 लाख विथ ए टेन्योर ऑफ 72 मंथ्स। मैक्सिमम लोन अमाउंट यहाँ पर 5 लाख का है और मैक्सिमम रीपेमेंट पीरियड है 72 मंथ्स का। तो आपके केस में ये अमाउंट अलग हो सकता है, अमाउंट आपको अलग अलग अमाउंट आपको मिल सकता है। तो यहाँ से आप अमाउंट को चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको 5 लाख रुपए का लोन नहीं चाहिए बल्कि आपको 2 लाख रुपए का ही लोन चाहिए, तो यहाँ पर आप इसको चेंज कर सकते हैं। और कितना अमाउंट, कितना दिनों में आप इस लोन को रीपे करना चाहते हैं उसको भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं इसको 25,000 मैंने कर दिया है, लोन अमाउंट मैं 25,000 कर लेता हूँ और रीपेमेंट टेन्यर 1 मंथ मैंने कर लिया है, 1 महीने में ही मैं ये पे करने वाला हूँ। तो ऐसा मैंने सेलेक्ट किया है। आप अपने सुविधा के हिसाब से कितना मंथ में आप इसको पे करना चाहते हैं और कितना अमाउंट आपको लोन चाहिए, यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसको आप मैन्युअली यहाँ से टाइप भी कर सकते हैं, टाइप करके भी ये चेंज कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट कितना है दिखा रहा है और ईएमआई दिखा रहा है। जैसा कि मैंने यहाँ पर 1 मंथ इसको किया है, इसीलिए ईएमआई कितना दिखा रहा है, 25,260। इसको अगर मैं 12 मंथ्स कर लेता हूँ, देखिए
12 मंथ्स मैंने कर दिया तो ईएमआई यहां पर शो हो रहा है 2227। तो आप अपने हिसाब से ईएमआई इस तरह से सेट कर पाएंगे। तो अभी मैं आपको डेमो दिखाने के लिए केवल ये कर रहा हूँ, तो ये इसको मैं 1 मंथ कर लेता हूँ और जो इंटरेस्ट रेट है यहाँ पर दिखा रहा है इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर कंफर्म करने के लिए बोल रहा है कि कितना लोन अमाउंट है, टेन्योर कितना है, इंटरेस्ट रेट कितना है, ईएमआई कितना है, सब कुछ यहाँ पर शो हो रहा है। तो इसको मैं कंफर्म कर लेता हूँ। तो देखिए सब कुछ यहाँ पर शो हो रहा है, इसको इसको आप प्रॉपरली एक बार चेक कर लें, उसके बाद चेक करने के बाद इसको आप नेक्स्ट कर सकते हैं। ई सैंक्शन लेटर हमारे सामने है जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बात किया था, और इसमें क्या क्या डिटेल दिए हुए हैं चलिए थोड़ा नीचे इसको स्क्रॉल करते हैं और देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सैंक्शन अमाउंट यानी कि लोन अमाउंट 25,000 का है, और उसके बाद रीपेमेंट पीरियड 1 मंथ का है, नंबर ऑफ ईएमआई एक ही ईएमआई है, अमाउंट ऑफ ईएमआई ये भी दिया हुआ है, और सर्विस चार्ज में 118 रुपीज़ का सर्विस चार्ज इसमें लगेगा। तो सारे डिटेल यहाँ पर इस तरह से दिखा रहे हैं, इनको आप एक बार ज़रूर चेक कर लें जब भी आप लोन लेंगे। उससे पहले ये स्क्रीन जो है इसको आपको प्रॉपरली चेक करना होगा कि इसमें क्या दिया हुआ है, ईएमआई कितना दिया है, सर्विस चार्ज कितना दिया है, सब कुछ आपको प्रॉपरली चेक कर लेना है। तो यहाँ पर सब सारे डिटेल प्रॉपरली दिखा रहे हैं, तो चलिए इसको नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पर एक्सेप्ट का बटन है, इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अभी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी एंटर करने के बाद लोन अमाउंट सीधे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अगर आपको ये लोन ऑफर नहीं दिखा रहा है, नो ऑफर या ऐसा कुछ शो हो रहा है, तो आपको अपने अकाउंट में सेटिस्फैक्टरी ट्रांजैक्शन करने होंगे। उसके बाद 6 मंथ्स के बाद बैंक की तरफ से फिर से आपका जो अकाउंट है उसको रिव्यू किया जाएगा और आपको लोन का ऑफर मिल सकता है। तो अगर आपका इस टॉपिक से जुड़ा कोई सवाल है तो नीचे कॉमेंट्स में ज़रूर लिखें, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, नमस्कार।